गिरिराज सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो LIC के खिलाफ बात कर रहे थे। बोलते थे कि LIC का शेयर कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन आज तो LIC 1000 रुपए के ऊपर भी चला गया। उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए। आपको दिखे क्या कहीं? कुछ लोगों को LIC के खिलाफ सिर्फ निगेटिव बोलने की आदत। कुछ महीनों पहले जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अदानी इंडस्ट्रीज के खिलाफ, तो कुछ लोगों ने LIC को गाली देना शुरू कर दिया। LIC के बारे में बोले कि अदानी समूह में उनका 30,000 करोड़ का लॉस हो गया, लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। अरे भाई, कहाँ हुआ लॉस? फिर जब LIC का IPO आया और LIC ने मार्केट में अपने 3.5% शेयर उतारे, तो वही लोग फिर से LIC को कोसने लगे। बोले LIC अभी प्राइवेटाइज हो चुका है, LIC अभी बिक चुका है। जब 2019 में LIC ने IDBI के 49% शेयर्स खरीदे, तब वही लोग बोलने लगे सरकार के दबाव में आकर LIC डूबती हुई बैंकों में पैसा लगा रही है, लोगों का पैसा डुबा रही है। कुछ सालों पहले जब LIC ने ONGC के शेयर्स खरीदे थे, तब वही लोग फिर से LIC के बारे में बोले LIC तो लोगों का पैसा तेल में बहा रहा है। लेकिन जब LIC ने इन सभी कंपनियों से जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया, तब ये सारे लोग कहाँ चले गए? सब के सब गायब हो गए। उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। 1956 से लेके आज तक LIC ने हर साल प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जहाँ पे LIC ने लॉस बुक किया। और इन लोगों को LIC के खिलाफ बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। करने तो बात, वो बातें करते रहेंगे। हम LIC वाले काम करते रहेंगे। LIC करो, जिम्मेदार बनो।